नरेंद्र मोदी किसान एकता हरियाणा के करनाल में किसानों के हंगामे के बाद मनोहर लाल खट्टर की किसान महापंचायत हुई रद्द। उनको किसान पंचायत रद्द करना पड़ा। आज सीएम खट्टर किसानों को कृषि कानून के बारे में समझाने का मिशन था उनका। किसानों की गुस्सा इस तरह देखने को मिला। जिस जगह पर करनाल में सीएम आने वाले थे वहां पहुंचकर स्टेज को तहस नहस कर दी, कुर्सियां भी तोड़ दी, पल भर में सब कुछ तहस नहस कर दी। प्रदर्शनकारी किसानों ने सीएम खट्टर को ब्लैक झंडी यानी काली झंडी दिखाई। दरअसल भारी संख्या में प्रदर्शनकारी किसानों ने खट्टर के इस कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। यही नहीं, उन किसानों पर प्रशासन ने लाठियां भाजी, पानी की बौछारें भी की। दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्री खट्टर को आज इस कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करना था। उनका विरोध करने के लिए वहां हजारों किसान इकट्ठा हो गए थे। पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने। ठंडे पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज की, जिससे तनावपूर्ण माहौल बन गया है। पुलिस से झड़प के बाद ये सभी किसान फिलहाल गांव और खेत खलियानों की ओर चले गए। इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीएम खट्टर पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मनोहर लाल जी, करनाल के कैमल गांव में किसान महापंचायत का ढोंग बंद कीजिए। अन्नदाताओं की संवेदनाओं एवं भावनाओं से खिलवाड़ करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश बंद करिए। संवाद ही करना है तो पिछले 46 दिनों से सीमाओं पर धरना दे रहे अन्नदाताओं से कीजिए। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम।